सो आज की वीडियो में मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन में स्टॉप लॉस लगाना बताऊंगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा के अपने लॉसेस को बचा सकते हैं। जब भी हम दोस्तों ट्रेड लेते हैं तो हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अगर आपको भी अपने डेली इंट्राडे के नुकसान को कम करना है और प्रॉफिट को बढ़ाना है तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है ना स्टॉप लॉस लगाना सीख जाएंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं और कैसे आप अपने लॉसेस को कम करके यहाँ पे बड़े प्रॉफिट, बड़े टारगेट के लिए बुक कर सकते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको वीडियो को एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो गाइज, मैं यहाँ पे एक स्टॉक को फाइंड कर लेता हूँ और उसको बाय करके आपको दिखाऊंगा, ऐसे भी लगाऊंगा और दोस्तों यहाँ पे अपने लॉस को कम भी करूँगा ताकि मेरे को बड़ा लॉस ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सर्च पे जाऊँगा और यहाँ पे एक स्टॉक को फाइंड कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है आलोक इंडस्ट्रीज, तो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इसमें, मैं यहाँ पे इंट्राडे करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको बाय पे क्लिक करने के लिए बाय पे क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे को इंट्राडे में बाय करना है, तो मैं इंट्राडे पे ही रहने दूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं डिलीवरी में बाय करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे को एक शेयर की प्राइस यहाँ पे 27 रुपये के आसपास देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना प्राइस चल रहा है उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन इंट्राडे में आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर मार्जिन मिल जाएगा 5 गुना का, यानी कि आपके पास कम पैसे हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसे डेली के कमा सकते हैं। डिलीवरी में आपको आज बाय करना है तो आप आज ही बेच दीजिए प्रॉफिट में, या कल बेचिए, परसों बेचिए, या लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर लीजिए, आप जितना चाहे होल्ड करिए या भी बेचिए, आपके ऊपर है। लेकिन इंट्राडे में क्या है, आपको अगर आज मार्केट ओपन होता है, सुबह बाय किया है, तो आपको मार्केट क्लोज होने से पहले पहले उसको सेल कर देना है, नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। इंट्राडे में बस यही कंडीशन होती है, सुबह बाय किया और शाम तक बेच दो, अगर नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक सेल होगा। लेकिन डिलीवरी में ऐसा नहीं है, लेकिन डिलीवरी में आपको पैसा ज़्यादा चाहिए और इंट्राडे में आपको यहाँ पे पैसा कम चाहिए। कम पैसे में भी आप कर सकते हो, आपके पास कम पैसे हैं तो इंट्राडे कर सकते हो, लेकिन कंडीशन यही है कि आज बाय किया है सुबह तो शाम तक उसको क्लोज करना, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो यहाँ पे देखिए इंट्राडे में जो मैं बाय कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे 6 रुपये लग रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 रुपये, और यहाँ पे बाय करता हूँ तो 27 रुपये लग रहे हैं। तो मैं इंट्राडे में बाय करूँगा और यहाँ पे क्वांटिटी डालूंगा, तो मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी ले लेता हूँ। तो 50 क्वांटिटी में लेता हूँ तो 268 रुपये में आ रही है, लेकिन यही 50 क्वांटिटी मैं डिलीवरी में लूँगा तो देखो मेरे को 1335 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं इंट्राडे कर रहा हूँ सिर्फ डेमो वीडियो के लिए, आपको सिखाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ताकि हम जो है ना बड़े लॉस से बच पाएं। दोस्तों इंट्राडे हर कोई करता है लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाते, जिसकी वजह से उनको बड़े लॉस हो जाते हैं। जब आपको प्रॉफिट इतना लेना है तो स्टॉप लॉस ज़्यादा क्यों लो, स्टॉप लॉस भी उतना ही लो ना जितना आपका रिस्क है, जितना आप यहाँ पर कैपिटल में से गवा सकते हो। पूरा कैपिटल ही चले जाएगा तो फिर ट्रेड कहाँ से करोगे, अगले दिन मार्केट में कैसे टिकोगे, सारे पैसे मार्केट आपके लेके चले जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं 50 क्वांटिटी लेता हूँ और इसको बाय पे क्लिक करता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पे क्वांटिटी के बगल में NSE BSE सेलेक्ट करना है। आप NSE में लेना चाहते हैं या BSE में, तो यहाँ पे देखो मार्केट का प्राइस पे रखना चाहूँगा मैं, जो मार्केट का प्राइस चल रहा है उसी में बाय कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ डेमो वीडियो के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने बाय कर लिया है और ये ऑर्डर मेरा डन हो चुका है। अभी हमको कहाँ मिलेगा हमारा ऑर्डर, हमारा ऑर्डर हमको कहाँ दिखेगा, ये हमको दिखेगा पोजिशन में। देखो दोस्तों पोजिशन में हमको हमारा ऑर्डर दिख रहा है, तो देखो हमने यहाँ पर बाय किया है, एवरेज प्राइस हमारा 26 रुपये 59 पैसे है और प्राइस देखो यहाँ पे कितना चल रहा है, प्राइस यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे 26 रुपये 57 पैसे। अब इसमें दोस्तों मेरे को बड़ा लॉस ना हो इसलिए मैं यहाँ पे SL लगाऊंगा। तो SL लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इसी स्टॉक जो आपने ख़रीदा इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एड स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। सेम रहने देंगे इंट्राडे, NSE रहने देंगे, NSE में ख़रीदा है तो BSE, अगर NSE में है तो NSE, अगर BSE में है तो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको SL ट्रिगर प्राइस दिख जाएगा, तो आपको SL ट्रिगर प्राइस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको SL लगाना पड़ेगा। तो मैंने 26 रुपये 59 पैसे में इसको बाय किया है, तो मैं यहाँ पे 26 रुपये का स्टॉप लॉस डाल दूंगा, 26 रुपये का स्टॉप लॉस डाल दूंगा, तो मेरे को लॉस कितना होगा, सिर्फ यहाँ पर मेरे को जो है ना 59 पैसे का ही लॉस होगा, क्योंकि 59 पैसे मैंने इसके 26 रुपये 59 पैसे पर बाय किया और 26 का मैं SL लगा रहा था, तो 59 पैसे का ही लॉस होगा मेरे को, ठीक है। तो 59 पैसे के हिसाब से मेरा जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से मेरा लॉस फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक करता हूँ, ये भी सेल नहीं होगा, जब 26 रुपये पे आएगा तब ये सेल होगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हैं, लिमिट यानी कि 26 रुपये आपने लगाया है तो 26 आपको 25 रुपये और यहाँ पे
90 पैसे इतने पे लगा सकते हैं, यानी कि 26 रुपये आपका ट्रिगर प्राइस रहेगा, 26 से और ये 25 रुपये 90 पैसे के बीच में जब प्राइस आएगी तो वहाँ पे सेल हो जाएगा। ये यहाँ सेल नहीं हुआ 26 रुपये तो ये 25-90 पे तो हो ही जाएगा। लिमिट लगाने का ये फायदा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, प्राइस 26 रुपये पर मान लीजिए नहीं आई, 26 रुपये की जगह वो 25 रुपये 95 पैसे पर चली गई, ठीक है, तो ये सेल नहीं होगा, पेंडिंग ऑर्डर में चले जाएगा फिर ये, क्योंकि और अगर आपने 26 रुपये 90 पैसे लगा दिए तो इसके बीच की जो प्राइस रहेगी ना उसमें सेल हो जाएगा। इसलिए आप लिमिट भी लगा के चलिए, लिमिट लगाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और इन दोनों प्राइस के बीच में जो भी डिफरेंसेस में आपको यहाँ पे मार्केट आएगा वो यहाँ पे आपका सेल कर देगा। तो हम यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देते हैं। अब ये सेल ऑर्डर हमको कहाँ दिखेगा, हमको दिखेगा ऑर्डर में, ये पोजीशन है हमारी और पोजीशन के बगल में ऑर्डर है, तो ऑर्डर में जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा जो प्राइस है ना एसएल का ट्रिगर प्राइस 26 रुपये पे है, बाइंग प्राइस 26 रुपये 59 पैसे के 59 पैसे पे है, तो अभी हमको यहाँ पे चल रहा है छोटा मोटा प्रॉफिट, क्योंकि ये डेमो वीडियो है, मैंने क्वांटिटी इसमें कम ली है सिर्फ डेमो वीडियो के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी होल्डिंग्स यहाँ पे, मैंने यहाँ पे देखो कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, लगभग 5 लाख से ऊपर, लगभग 6 लाख ही लगा लो, और अभी मेरा यहाँ पे प्रॉफिट भी चल रहा है। ये मेरी डिलीवरी की बाइंग है, क्योंकि डिलीवरी में ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, और आप मेरा रिटर्न देख सकते हो, आप यहाँ पे देखो इसमें लगभग 67% का रिटर्न है, यहाँ पे 64%, यहाँ पे 50% और यहाँ पे 22% और भी नीचे हैं, लेकिन मैं सारे शेयर आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल पहले की बाइंग है, तो आप इनमें कभी भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल बॉटम से बाय किए हुए हैं। अगर आप मेरी शेयरों को देख के बाय करोगे तो आप यहाँ पे लॉस भी खा सकते हो, इसलिए मेरे को देख के बाय बिल्कुल मत करना, मैंने बॉटम से उठाए हुए हैं। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे टारगेट रहता है 100% का, जब तक मेरे को 100% का रिटर्न नहीं मिल जाता मैं बुक नहीं करता हूँ, ठीक है, तो मेरा यही टारगेट रहता है, या तो वो मिले या उससे ज़्यादा मिले, 100 से ऊपर मिल जाएगा तो और ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो अभी मैंने इनमें बुक नहीं किया है, इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पे डेमो वीडियो में सिर्फ मैंने इतनी सी क्वांटिटी ली है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डेमो वीडियो है, फालतू में यहाँ पर टैक्स वगैरह लगेगा मेरा, क्योंकि तुरंत बाई करके तुरंत सेल करूँगा तो ब्रोकर ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी बाई की है। अब देखो दोस्तों लॉस हमेशा आपको फिक्स करना पड़ेगा, लॉस को फिक्स नहीं करोगे तो मार्केट आपका सारा पैसा लेके चले जाएगा। अभी देखो प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे हमारा, देख सकते हैं 2.5 रुपये का प्रॉफिट, क्वांटिटी ज़्यादा होती तो ये प्रॉफिट ज़्यादा बनता, ठीक है, और एसएल भी मैंने यहाँ पे देखो कितना कम लिया, सिर्फ ज़्यादा मेरे नहीं, मेरे यहाँ पे 25-30 रुपये का ही लॉस होगा, ठीक है, और अगर ये मार्केट में मोमेंटम आ जाता है, प्राइस यहाँ पे 2-3 रुपये बढ़ जाती है तो 200-250 रुपये का प्रॉफिट बन जाएगा मेरा, लेकिन यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम होनी चाहिए, मोमेंटम नहीं होगी तो ये दोस्तों यहीं पे या तो आपका एसएल में हिट करवाना पड़ेगा आपको, या फिर जो छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा है उसको लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट अगर नहीं चलता है आपके अकॉर्डिंग तो पूरा दिन बैठ के ट्रेडिंग करने से कोई मतलब नहीं है, आपको छोटे प्रॉफिट को बुक कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप छोटे प्रॉफिट को बुक नहीं करोगे तो मार्केट आपका एसएल लेके जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर लॉस करो, अगर आप यहाँ पर लॉस करोगे तो अगले दिन आप ट्रेड नहीं कर पाओगे और अपने कैपिटल को गंवा दोगे। अगले दिन के लिए साइकोलॉजी चाहिए आपको बिल्कुल परफेक्ट, तो आप यहाँ पे लॉस से बढ़िया छोटे प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, छोटे प्रॉफिट को बुक कर लोगे तो मार्केट में टिके रहोगे, वरना फिर लॉस ही खाते रहोगे। इसलिए आपको जब भी ट्रेड करें दोस्तों इंट्राडे तो सोच समझ के करें, सोच समझ के पैसे को इन्वेस्ट करें, और कभी भी लोन लेकर उधार लेकर इन्वेस्ट ना करें। तो सिर्फ आपको डेमो वीडियो में सिखाने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है, तो मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ, क्योंकि एसएल लेने के लिए मार्केट को यहाँ पर पहले गिरना पड़ेगा, और मार्केट ऑलरेडी पहले से गिरा हुआ है, अगर वो नहीं गिरा तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो एग्जिट करने के लिए आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और एग्जिट पे क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देना है, जैसे सेल करेंगे तो ये हमारा जो ऑर्डर है वो सेल हो जाएगा सेम प्राइस पर, देखो ये हमारा सेल हो चुका है 3 रुपये के प्रॉफिट में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है इसको भी हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको कैंसिल पे क्लिक करके कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल करना ज़रूरी है वरना फिर बाद में ऑटोमेटिक कुछ यहाँ पे बाय सेल हो गया तो फिर आपको दिक्कत भी हो सकती है, आपको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए आपको कैंसिल वो पेंडिंग ऑर्डर को भी कैंसिल करना ज़रूरी है। अब दोस्तों ये सिर्फ डेमो वीडियो थी, इसलिए यहाँ पे मेरे को ये इतना सा प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि इसमें मेरा खुद ऑलरेडी चार्ज ही लगे होंगे, जो मैंने बाय किया 20 रुपये बाय करने का, 20 रुपये सेल करने का, कुछ एसटीटी, कुछ टैक्स, छोटा मोटा मिला के लगभग मेरा यहाँ पे 50-60 रुपये लग गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आप एसएल लगाना सीख गए होंगे।